ही बड्डा मिला था बड्डी एक बात बताओ आपस लगाए तो उसके हाथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। अभी मैंने पूजा भी कर दी है। और आज के मौसम की बात करें तो चारों ओर बादल लग रखे हैं, हल्की फुल्की धूप है, पर आजकल ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखते हैं दिन तक धूप रहती है या बारिश होती है। और जैसे मैं किचन में आई वैसे मैंने देखा आज मेरी मम्मी बना रही है नाश्ता। रोज ही बनाती है पर आज भी बना रही है। और आज बन रहे हैं मूली के परांठे। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। नाश्ते में है मूली के परांठे, सॉस और चाय। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धो दिए हैं, साफ़ सफाई कर दी है। यहाँ पे मेरी माँ आज घस रही है चूल्हा। और चूल्हे को घसा जाता है, जो चूल्हे घसने वाली मिट्टी होती है वो, और उसमें लाल मिट्टी और गाय का गोबर, इन तीनों को मिला के घसा जाता है चूल्हा। तो आज मेरी माँ घस रही है चूल्हा, और इससे मिट्टी की इतनी अच्छी खुशबू आती है। और जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत मिट्टी खाती थी। हमारे मिट्टी वाले घर थे तो मैंने सारे घर तोड़ तोड़ के खा रखे थे। फिर मेरे पापा को पक्का घर बनाना पड़ा मेरी वजह से। और अभी आया है मुझे चाचा का फ़ोन। चाचा जा रहे हैं उत्तरकाशी। तो पापा गए थे कल उत्तरकाशी, पापा ने चार्जर और दवाई छोड़ दी है। तो चाचा के पास भेज रही हूँ मैं पापा की दवाई और चार्जर। एक बात बताओ, क्यों बुलाया इतने ऊपर मुझे? काम किसका था? चाचा इतने भुलक्कड़ हैं। मैं वहाँ से आया मार्केट से वापस, अचानक से आया, मैंने गाड़ी देखी गंदी गंदी वाली होगी। चाचा इतने भुलक्कड़ हैं, जैसे बड़े बड़े ब्लॉगर होते जा रहे हैं। वैसे याददाश्त कम हो रही, डॉलर ही दिख रहा यार आगे। चाचा का दिन था सामान, चाचा भूल गए हैं, तो ये लो अपना सामान। जा रहे हो उत्तरकाशी चाची लेने? चाची चार बच्चों की माँ बन चुकी है, उसके बेटा मारेंगे मेरे को। और चाचा की है भांजी की सगाई। हाँ, अपनी भांजी की सगाई ना। कैसे लग रहा चाचा, छोटों की सगाई हो रही है, हम ऐसे रह गए? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हल्का फुल्का खून सूख रहा है भाई, कितना कोई बात नहीं। हाँ वो भी है। तो चलो ठीक है, जाओ गाड़ी आराम चलाना। ओके बाय। मुझे रोना आ रहा है। मेरी याद आएगी आपको? अबे यार बाय। और अभी चाचा भी चले गए हैं, अब मैं जा रही हूँ घर। अभी मैं घर आ गई हूँ। मैंने चूल्हा भी घस दिया है, और चूल्हा घसने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है, और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है घसने के बाद। आज दिन भर है मेरा बहुत काम, तो अभी मैंने किचन के सारे काम निपटा दिए। और कपड़े धोने के लिए मैंने लगा रखी है मशीन, तो जब तक मशीन कपड़े धोती है तब तक हम धोएंगे बर्तन। ये वो वाले बर्तन हैं, जब मैं देहरादून रहती थी तो तब मेरे पास ये वाले बर्तन थे। अब मैं घर आ गई तो परसों अमन ने ये घर भेज दिए हैं, तो आज मुझे ये भी धोने हैं और फिर धो के इन्हें संभालना है। और अभी मेरी मम्मी धो रही है मेरे देहरादून से आए हुए बर्तन, और मेरी मम्मी बोल रही है ये किस काम का, वो किस काम का। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन मेरे पास कितने बर्तन थे माँ? मेरे पास थे दो थाली, दो लोटे, दो गिलास, ऐसे करके थे। और आज मेरे पास इतने सारे बर्तन हैं। तो लड़की और लड़के में यही फ़र्क होता है, लड़की हमेशा बर्तन लाती है। और मेरे भाई ने इसमें से भी कुछ बर्तन रखे होंगे, अब वो बर्तन भी घर नहीं आएंगे जो मेरे भाई के पास हैं। अब मेरे पास बहुत कम बर्तन सारे, अब मेरे पास बर्तन आए। और अमन को हमने बहुत सारे बर्तन घर से भी दे रखे हैं, पर उन्हें मतलब हमारी वापस आने की संभावना नहीं रख रखी है हमने। और मेरी मम्मी यहाँ मेरे को डांट रही है कि ये क्यों लाया, वो क्यों लाया, इतने सारे बर्तन ला रखे। तो लड़के और लड़के ऐसे ही होते हैं। और अभी मैंने सारे कपड़े भी धो दिए हैं, और साथ में मैंने और मम्मी ने बर्तन भी धो दिए हैं। अब मेरी माँ इन सारे बर्तन को संभाल देगी। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, अभी हमारे सारे काम निपट गए हैं। और अभी मेरी बड्डी भी आ गई है जंगल से, और यहाँ पे बैठ गई, घर नहीं जा रही है। यहाँ पे मेरी बड्डी पे लग रखे हैं, यहाँ बुड्डीले बड्डी जा रखी थी घास के लिए, तो बड्डी यहाँ पे बुड्डीले निकाल रही है, इसकी वजह से घर नहीं जा रही है। और मैंने अपनी बड्डी में एक चीज़ नोटिस करी है, कल से मेरी बड्डी ने ये टोपला पहन रखा। क्यों पहन रखा बड्डी? सिर में दर्द हो रहा ना। तो इससे रहा दर्द ना, वो सर पे ऊरा है ना पूरा है, पर इससे हवा नहीं लग रही। अच्छा, तो आज वैसे भी ठंडा बहुत है, इसलिए बड्डी ने कल से टोपा पहना हुआ है। और अभी हमारी यहाँ रखी है मेरी बड्डी, और यहाँ पे मेरी मम्मी ने डाल रखे हैं गेहूँ सुखाने के लिए। और अभी मैं और मेरी बड्डी जा रहे हैं, बड्डी का थोड़ा काम है, तो बड्डी ने मुझे बोला तू भी चल ले मेरे साथ, तो मैं जा रही हूँ बड्डी के साथ। और अभी बड्डी का काम भी निपट गया है, और अब हम जा रहे हैं घर। और इसके साथ ही
मैंने ली है, ये है अपने दादा के खेत से ककड़ी, क्योंकि जब सीज़न था तो बहुत ज़्यादा ककड़ी हुई थी जिसकी कदर नहीं थी, पर अब सीज़न चले गया तो अब ऐसा लग रहा है कि मिल जाती तो अच्छा होता। फिर मुझे दिखी दादा के खेत में तो मैंने दो निकाल दी है। अभी टाइम हो गया है दिन के खाने बनाने का, तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। अभी मैं फिर से आ रखी हूँ अपने बड्डी लोगों के यहाँ, और यहाँ आई थी मैं कुटले के लिए क्योंकि आज हमारे खेत का काम है, और आज मैं सुबह से वैसे भी काम पे ही लगी हूँ। और आज है हमारे इस खेत में काम, ये खेत मम्मी ने कल खाली कर दिया था तो आज इसको हम बो रहे हैं। और अभी हमारा खाना भी बन गया है, और खाने में आज बना है चावल और कद्दू की सब्जी, साथ में है खीरा और हरी मिर्च। तो सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने फिर खेत में काम भी करना है। और अभी हमने खाना भी खा लिया है, अब हम इसके बाद करेंगे खेत का काम। और खेत का काम पूरा होने के बाद अभी मैंने बना दी है चाय, और चाय पीने के लिए आई है मेरी बड्डी। बड्डी कैसी लग रही चाय? बढ़िया है जी। चाय बढ़िया हो रही, नमकीन बढ़िया हो रही? नमकीन बढ़िया। और वहाँ पे बैठी है भाभी, और इधर है मेरी माँ, और यहाँ पे चल रही है शादी की बात, और मेरी बड्डी की है वल्लभ मैरिज। लव मैरिज करने के लिए मेरा ही बड्डा मिला था। बड्डी बड्डा फट गया तो क्या क्या कराओगे तुम? लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज हम करने नहीं देंगे। हम पछता रहे करके। तो ये पल मुझे लव मैरिज करने नहीं देंगे क्योंकि ये पछता रहे हैं खुद करके, तो अब मुझे अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। और अभी हमने पूरा खेत खन दिया है, और मम्मी ने साफ भी कर दिया है। और खेत खनने के बाद अब हम जा रहे हैं गोबर लेने के लिए। यहाँ पे मेरी दादी की इतनी सारी मिर्च हो रखी है, और अभी दादी मिर्च निकाल दी है। बुढ़ी खुद खाएगी मिर्च? खुद खाएंगे। हाँ, और बाजार भी खाएंगे। अच्छा, और खुद खाएगी बाजार भी खाएगी, पर अगर किसी ने हाथ लगाए तो उसके हाथ तोड़। ऐसी है मेरी दादी की, किसी और ने खाया तो हाथ तोड़ देंगे। हाँ सही बात है कि मेहनत करो खुद, लोगों ने चोर चोर के नहीं खानी है। खारे लोगों को मारते। हाँ, वरना हाथ टूट जाएंगे लोगों के। देख लेना जो जो रहेगा वो अपने हाथ संभाल के रखना। और भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैंने दी बिस्किट और नमकीन उस पे भी बोल रही है। क्या बोल रही? मेरा पेट भर दिया बल, यहाँ तो खाया क्यों फिर? तो क्यों खाया फिर? तो वही तो, इसीलिए तो बोलते हैं कि भलाई का जमाना नहीं है। तो अभी हम आ गए अपने गोटे में, और यहाँ पे है मेरी बड्डी की मोल की मराई, तो अभी हम यहाँ से लेके जाएंगे गोबर। यहाँ पे ये कर रहे हैं एक्टिंग के, हमने बल मांड भात खाया, और दूसरे बोल रहे हमने नमक मिसाले खाए। यहाँ पे मेरी बड्डी अकेले लग रखी है राला। तो बात बड़ी पच गया सारा वो नमकीन बिस्किट। हाँ, तो अभी जो मैंने नमकीन बिस्किट खिलाए हैं सब पच जाएंगे इसको ले जाते हुए। बड्डी दे रही है और ऊपर से भाभी भर रही है घीड़े। है की जगह तुमने 1000-1000 रुपया देना नी? अच्छा, मेरी बड़ी ने 1000 रुपया देना तुमने दिहाड़ी? काम काम होंदा, रुपया रुपया होंदा। अभी इनके गीड़े भी भर चुके हैं, और अब ये जा रहे हैं खेत में, और मेरे गीड़ा भर रही है मेरी माँ जिसको मैं लेके जाऊंगी। और अभी मेरी गिड़ी भी भर गई है, अब मैं ले जाऊंगी इसे घर। और जो मिर्च दादी ने निकाली थी वो अभी दादा लेके जा रहे हैं बाजार। देखो यार। कितने रुपए किलो देते दादा आप इसे? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? ओहो, बहुत फायदा हो रहा है आपको, 100 रुपए किलो दे रहे आप हैं। ठीक है, जाओ जाओ हैं। ठीक है, ठीक। और अभी मैंने भी अपना घीड़ा उठा दिया है, अब मैं लेके जाऊंगी इसे घर। और अभी मैंने एक घीड़ा डाल दिया है, अब मैं जा रही हूँ दूसरे घीड़े के लिए। जैसी मैं अपना मोल का घीड़ा डाल के आई वैसी आ गई है मुझे रास्ते में मिलने। बीत रही है, क्या करे? क्या करे,
पापी पेट करना पड़ता है तभी तो हरी सब्जी खाएंगे। खाएंगे तुम्हें। हाँ तो अब हम सब जा रहे हैं दूसरे दूसरे कीड़े के लिए। अब मेरी मम्मी को रखा था यहाँ पे मॉल खड़ने के लिए और मेरी मम्मी बैठ गई है। जब से मैंने बोला कि मैं लव मैरिज करूंगी तब से मेरी बड्डी पे भयंकर गुस्सा आ रखा है, सबको गालियां दे रही है। अबे नहीं करूंगी नहीं करूंगी, चिंता मत कर। मेरी शादी पे इतने मसले हैं इस घर में कि क्या बोले, खुद ही लव मैरिज करके बैठे हैं और मेरे को नहीं करने दे रहे हैं यार, है ना। क्यों कर रहे यार तुम ऐसा। और अभी फिर मेरी बड्डी चली गई है गोबर भरने के लिए और मेरी मम्मी जो गोबर भरने के लिए रखी थी वो कोदाड़ी में बैठ गई। मम्मी ये तुझे ना कर बोल रहे थे मेरी बड्डी। ओहो तेरे जेठा तेरी देवरानी इतनी अच्छी है बड्डी, तभी बोला तूने। सही बात है, काम ना कर तो काम कुछ कर नहीं रहे। नौकर तो बैठ रहे के सामने और मालिक। हाँ मैं तो सच में कर देती, ठीक है। तो तुम्हारे नौकर तो वो देखो जरा ऐसे हाल होते नौकर के। ये अभी मेरी मम्मी ने सही बात बोली कि हम जेठानी को बनाते हैं नौकर। निर्विवेक नहीं है केल बटी तो ये भी बेकी है। अरे विवेक दा ना ए जन्न बने। अभी दादा मिर्च बेच के भी आ गए हैं और दादा ने लाई उसके बदले चीनी। वाह दादा बढ़िया करा है। और अभी मैं दूसरा चक्कर डाल के आ गई हूँ और मुझसे पहले पहुँच चुके हैं ये। और ये होते हैं औरतों के काम, बस गप्पे मारने पे लग रखी और घीड़े इनके सीधे। और इनके कीड़े ने उन मुंडों को खोटा कर, इसको बोलते हैं काम पे काम बढ़ना। अभी हमने पूरा गोबर भी डाल दिया है, एक लास्ट गिड़ी मम्मी ले जा रही है। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।